दोस्तों नमस्कार, मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जब हम गार्डनिंग करते हैं, छत पर या नीचे कहीं भी करें, तो सबसे ज़्यादा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है खाद। खाद के बिना हम कितनी भी पौधों में मेहनत कर लें, लेकिन पौधे हमारे सही से चलते नहीं हैं, उसमें सही फ्लावरिंग नहीं होती है, तो हर गार्डनर को हमेशा खाद की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हम भी नए तरीके निकालते रहते हैं कि हम घर में कैसे खाद बना लें, क्योंकि बाहर की खाद अगर आपके पास बहुत पौधे हैं, बहुत गमले हैं, ज़्यादा आपका गार्डन बड़ा है, तो फिर आप इतना बाज़ार से नहीं खरीद सकते हैं कि हर समय आप बाज़ार से ही खाद खरीदें। तो हमें अपने घर में भी कुछ खाद तैयार करने की ज़रूरत होती है, और घर की बनी खाद बहुत अच्छी होती है। तो मैं जिस तरीके से अपने गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छी पौधों के लिए खाद बनाती हूँ, वो खाद बनाने की विधि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैं इस तरीके से, मैंने दोस्तों कुछ गमले रख रखे हैं इसी काम के लिए, जिसमें मैं खाद इस्तेमाल करती हूँ बनाने के लिए, और इसमें और पेड़ वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। तो ये 5 गमले मेरे पास हैं, सब एक साइज़ के हैं, देखिए, और इसी में मैं खाद तैयार करती रहती हूँ, और पौधों के लिए मुझे समय समय पर खाद मिलती रहती है। आज मैं आपको अपना तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से मैं इसमें खाद तैयार करती हूँ। तो आज खाद तो वैसे कई तरीके से बन जाती है, लेकिन आज मैं जो गार्डन वेस्ट है केवल उसी का इस्तेमाल करके, सूखी पत्तियाँ इन सब का इस्तेमाल करके कैसे मैं अपने खाद बनाती हूँ। देखिए देखिए, गमला है, गमले में देख लीजिएगा, छेद ज़रूरी है, इसमें छेद हो, क्योंकि इसमें हवा, वैसे भी मिट्टी का गमला है, हवा पास होती है, पर नीचे एक होल होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हम लोग मिट्टी डालते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल देती हूँ। देखिए आप, एक लेयर आप थोड़ी सी 1-2 इंच की ऐसे मिट्टी की बना दीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा एक बड़ा सा टब है जिसमें मैं कचरा इकट्ठा करती रहती हूँ, और ये कचरा इसी में सूखता रहता है, छत पे भी मैं इसको सुखा देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसको बनाइए और ऐसे इकट्ठा करते रहिए, और धीरे जब जिस दिन आपको समय मिले उस दिन आप इसका इस्तेमाल इसमें करिए। देखिए अब इसमें से जो ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी गलेंगी नहीं, जैसे देखिए ये लकड़ी है, अब ये लकड़ी नहीं गलेगी तो इसको हम लोग हटा देते हैं, और अगर इसमें कोई और ऐसी चीज़ है जो ना गले उसको भी हटा देना चाहिए। केवल ये देखिए, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, इसको भी हटा देते हैं। बाकी देखिए कितना सूखा है, ये ऐसे करने से देखिए छोटा छोटा टूट भी रहा है, इतना छोटा ये कचरा है। तो मैंने इसमें मिट्टी की एक लेयर डाल दी है, आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें हम ये कचरा इसी में भर देंगे, ऐसी लकड़ी हो तो आप लकड़ी निकाल के फेंक दीजिए। ये देखिए इसमें 6-7 इंच की मोटी जो है आप पूरा सूखा कचरा डाल दीजिए, अगर नहीं सूखा मिलता है, थोड़ा बहुत गीला भी हो तो सूखा गीला मिलाकर भी डाल दीजिए। ये सब हटा देना है, लकड़ी हटा देना है, ये रैपर हटा देने हैं, ये गलेंगे नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे पत्तियों को ही डालते हैं। ये देखिए ऐसे एक लेयर बिछा दीजिए, इसके ऊपर से फिर मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। देखिए 5-6 इंच की मैंने ये कचरा लगा दिया है, उसके बाद इस तरीके से मिट्टी भर दीजिए ऐसे चारों तरफ से। इसमें देखिए एक पन्नी और आ गई है, ये पन्नी भी निकाल के बाहर कर देते हैं। ये इसको ऐसे भर दीजिए, अब देखिए आप देख रहे होंगे ये पत्तियां जो है नीचे वाली लेयर की पूरी ढक गई हैं। उसके बाद हम अब दूसरी लेयर फिर इसमें लगाएंगे, और आगे फिर इसके ऊपर से ऐसे कचरा भरेंगे, फिर 5-6 इंच की मोटा कचरा हम भर देंगे इसको गमले में। इससे कोई नुकसान भी नहीं है, और ये गार्डन की चीज़ है और हमारे गार्डन में भी इस्तेमाल हो जाएगी, फेंकने से इसका कोई
मतलब नहीं है। इस तरह की चीज़ें हटा दीजिए और जितना आप चाहें, ये पन्नी आ गई है, ये पन्नी फेंक देते हैं, पन्नी की कोई ज़रूरत नहीं है, रस्सी है। अब इसी तरह से केवल हम क्या भरेंगे, सूखी पत्तियों को भरेंगे। देखिए ये ऊपर तक भर गया है, ये डंडियाँ हटा देते हैं। अब ये देखिए काफ़ी भर गया है। इसके बाद फिर हम मिट्टी के लेयर डाल देंगे इसको मिट्टी से। अब इसमें 2-3 इंच देखिए आप मिट्टी डाल दीजिए और ऐसे मिट्टी से इन पत्तियों को इसी तरह से दबा देना है। अभी थोड़ा कम है तो और, अभी इसमें मिट्टी कम है, थोड़ी मिट्टी और हम इसमें डाल देंगे। ये पूरी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। अब देखिए ये पूरा मिट्टी से ऊपर तक भर गया है। ऐसे मिट्टी लगाने के बाद देखिए ये गमला अब अच्छी तरह से मिट्टी से ऊपर तक भर गया है। अब इसे मॉइस्ट करना ज़रूरी है, तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐसे ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि जब ये मॉइस्ट बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो जो पत्तियाँ सूखी हमने अंदर डाली हैं वो बहुत ही जल्दी गलना शुरू हो जाएंगी और जल्दी ही कंपोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मैंने जो, अब देखिए दूसरा गमला मेरा खाली है, अब अगली कंपोस्टिंग मैं इसमें करूँगी। और गमले में आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने अभी भरा है और इसको देखिए 15 दिन पहले भरा था। ये गमला बिल्कुल ऊपर तक भर दिया था, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पर आप देखते हैं ये इतना इतना लगभग नीचे चला गया है। इसका मतलब इसमें कंपोस्टिंग की शुरुआत हो गई है और जो कूड़ा है, पत्तियां हैं, वो नीचे दबने लगी हैं। तो देखिए इसको आज मैंने नम कर दिया है, तो 10 दिन में जैसे ही आपको लगता है कि इस मिट्टी पूरी ऊपर से सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो आप फिर से थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए, जिससे ये कंपोस्टिंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब ये देखिए इसको मैंने 1 महीना पहले भरा हुआ था और इसका देखिए कितना नीचे, पूरा ये ऊपर तक भरा हुआ था और इसके जो कंपोस्ट है वो कितना नीचे तक पहुंच गया है, लगभग लगभग आधा गमला खाली हो गया है। इसका मतलब इसमें जो कंपोस्टिंग है वो लगभग पूरी होने वाली है। लेकिन अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसके क्या हाल है। ये देखिए अभी इसमें थोड़े से टुकड़े बड़े, देखिए ये पत्ती के ये कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये तो बेकार की चीज़ है। ये अभी, ये देखिए अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े टुकड़े हैं, लेकिन फिर भी ये आधे से ज़्यादा कंपोस्ट तैयार हो गया है। अभी 1 महीने का है, लेकिन ये 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा पौधों में डालने के लिए। अब मैं अगर आपको अगला गमला दिखाऊं, तो इसकी कंपोस्टिंग किए हुए लगभग 2 महीने से 2.25 महीने तक हो गया है और देखिए इसकी क्या कंडीशन है। इसका गमला बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा खाली हो गया है। इसका मतलब जो इसमें कचरा डाला गया था 2 महीने पहले वो पूरी तरह से गल गया है। इसका कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है और इस तरीके से मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ। देखिए इसमें अब कुछ भी गलने के लिए बचा नहीं है, ये ऐसी इस तरीके की देखिए भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है। इसमें जितना भी पत्ता था वो पूरा पत्ता गल चुका है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल पौधों में डालने के लिए रेडी हो गया है। तो दोस्तों जो पत्तों की खाद है ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उसके ग्रोथ के लिए, उसमें फूल और फल और सब्जियां लगाने के लिए। तो और देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, हमारे ही गार्डन का वेस्ट है, पेड़ों से निकला हुआ वेस्ट है और उसी को हमने पेड़ों के लिए फिर से खाद को तैयार कर लिया है। तो इसी प्रक्रिया से आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने 5 गमले लगाए, तो ये पूरा रेडी हो गया है, ये अभी 10 दिन बाद रेडी होगा, ये अभी 1.5 महीने बाद रेडी होगा और ये अभी 2 महीने के बाद रेडी हो जाएगा। अगला मैं इसको भर दूंगी, आगे भरने के लिए ये गमला खाली पड़ा है। तो जब ये भी भर जाएगा तब तक मेरा देखिए ये वाला गमला पूरी तरह से खाली हो गया है। इसकी मिट्टी खाद मैं इसको निकाल लूँगी और दोबारा फिर इसमें कंपोस्टिंग कर दूँगी। तो ये एक जो लेयर है, ये जो चक्र है मेरा, ऐसा ये चलता रहेगा और इस प्रकार से एक एक गमले की कंपोस्टिंग खाली होगी, पूरी हो जाएगी, तो मैं उस गमले को फिर से भर दूँगी। तो मेरी ये खाद बराबर इन 5ों में तैयार होती रहती है। इसको छाया में रख दीजिए और आराम से इसको भूल जाइए, ये तैयार होती रहेगी और नेक्स्ट गमले को आप भरते रहिए।
तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।